सिवनी मालवा में शौर्य दिवस पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पुराने थाने के पास हनुमान मंदिर में समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवान हनुमान जी की आरती की गई एवं दीप प्रज्वलित कर नारे लगाए गए व संकल्प लिया गया कि आगामी समय में राम जन्म भूमि में ही रामलला का मंदिर बनाया जाएगा। इस मौके पर शिव राठौर, प्रवीण अवस्थी, अजय राठौर एवं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। की गई है किसके तरफ से की गई है इसके बारे में? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे मध्य भारत प्रांत में आज 6 दिसंबर के अवसर पर, जैसा पहले शौर्य दिवस बड़े हर्षोल्लास से संगठन द्वारा मनाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं 14-6 दिसंबर को बाबा अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको देखते हुए हमारे अपने भाई बहनों की भावनाएं आहत ना हो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तय किया था कि 6 दिसंबर को सांकेतिक रूप से मंदिरों में दीपदान और महाआरती करेंगे। इसी के साथ गीता जयंती के दिन शौर्य दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में मनाने वाला है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? कहीं ना कहीं संतों के निर्देश पर जो आने वाले जनजागरण अभियान चालू होने वाला है, जैसा कि 9 तारीख से पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जनजागरण यात्राएं पूरे देश भर में हिंदू समाज के बीच आने वाली है, उसी के साथ ही इस देश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो सपना हमारा पूरा होने वाला है, उस जनजागरण रथ यात्रा के माध्यम से साधु संत समाज और पूरा देश भर का हिंदू समाज भव्य मंदिर निर्माण की परिकल्पना को पुनः साकार करने के लिए एक भव्य अभियान के साथ ही आने वाले दिनों में भव्य मंदिर का निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयास करेगा।